आपको कुट्टू के आटे के ब्रेड के दही बल्ले बनाना सिखा रही हूँ। आइए देखते हैं हम इसके लिए क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें 4 मीडियम साइज के आलू लेने हैं उबले हुए, जिनको हमने पहले से बॉईल किया हुआ है। 1 चम्मच लाहौरी नमक, जो हमें व्रत में यूज़ करते हैं, व्रत वाला नमक, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक। उसके अलावा 100 ग्राम कुट्टू का आटा और 1 चम्मच काली मिर्ची और 250 ग्राम दही, जो हमने रई से बिलोया हुआ है, इसको रई से बिलो के रखा हुआ है, वो दही इसके साथ यूज़ करना है। और थोड़ा सा हमें पानी का इस्तेमाल करना है, वो हम अपने बैटन के अनुसार देख लेंगे कि हमारा कितना इस्तेमाल होगा। हम इसे कैसे बनाते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हुए हैं, जो बॉइल्ड हैं, इनको हम हाथ से ऐसे महीन फोड़ लेंगे। ये देखिए, हमने इसको क्रश कर लिया है अच्छे से दबा के। ये चारों आलू हमने अच्छे से क्रश कर लिए हैं। ये देखिए, ये चारों आलू को हमने अच्छे से क्रश कर लेना है। ये 3 से 4 लोगों की लिए बल्ले हैं, जो 3 से 4 लोग आराम से इन्हें खा सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने 100 ग्राम आटा लिया था कुट्टू का, उसको भी हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। देखिए, हमने इसके अंदर आटा मिक्स कर लिया है और इसी के अंदर हमने ये जो कटी हुई हरी मिर्ची है, 3 से 4 हरी मिर्ची, वो भी हमने इसके अंदर ही ऐड कर ली है। ये देखिए, इसको आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि आपकी कितना तीखा खाना है, कितना कम खाना है, ज़्यादा खाना है, आप अपने हिसाब से इसे डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये हरी मिर्चियाँ इसके अंदर ऐड कर ली है और थोड़ा सा अदरक, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच हरा धनिया पत्ता, इसे भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम और ज़्यादा। और ये मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच काली मिर्ची ली है, इसको भी मैं इसके अंदर ही मिक्स कर दूँगी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच। वैसे मैंने इतनी सामग्री में 1 चम्मच, पूरा 1 चम्मच सेंधा नमक, यानी कि लाहौरी नमक इसे कहते हैं, व्रत का नमक डाला है। आप इसे कम और ज़्यादा भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाला है, अब मैं इसको सारे को मिक्स करूँगी। ये देखिए, ये देखिए, अगर इसमें पानी का थोड़ा कम लगे तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे को थोड़ा पानी कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा पानी और ऐड किया है। ये देखिए, आइए देखिए, देखिए ये हमारा बैटन तैयार है। और इसके अंदर भी हम 2 तरीके से दही बल्ले बना सकते हैं। इस एक तरीका है हमारा कि हम इस बैटन को थोड़ा गाढ़ा थिक रखेंगे। ये देखिए, हमारा बैटन काफ़ी गाढ़ा है, और इसके गोल गोल रोल्स बनाएंगे, वो भी थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल या फिर मूंगफली का तेल लेंगे, क्योंकि व्रत में सिर्फ हम सनफ्लावर तेल या मूंगफली का तेल ही यूज़ करते हैं और किसी तेल का यूज़ नहीं करते। या तो फिर हम देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी का रिफाइंड कोई भी यूज़ नहीं करना चाहिए सिवाय सनफ्लावर या मूंगफली के तेल के अलावा, ठीक है। आइए देखिए, ये हमने इसकी गोल गोल पेड़ियाँ बना ली हैं। थोड़ा सा अपने हाथ में ऑयल लेके, वेजिटेबल ऑयल, और इसको गोल बना के, और इसे हमने अलग से बना के ऐसे रख लिया है, ठीक है। ऐसे ही हम और बनाएंगे इसी तरह से। ये देखिए, ये हमारा बैटन गाढ़ा है, इसे हमने अलग अलग शेप में देने के लिए, कि हाँ हमें ये गोल टिक्कियाँ टाइप्स में बनानी है, कि हमें टिक्कियाँ ही बनानी है बल्लों की, तो वो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, वो जो हमारा गाढ़ा बैटन था, वो मैंने उसमें से 4 टिक्कियाँ बना ली हैं
और उनके दही बल्ले बनाऊंगी, ठीक है। अब इसी पैटर्न के हम पकौड़ियाँ, जैसे बेसन की पकौड़ियाँ बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, छोटी पकौड़ियाँ बनाते हैं, उसी तरह के भी दही बल्ले बनते हैं। इसको लेकिन हमें थोड़ा पतला करना पड़ता है, तो उसी पैटर्न में मैंने थोड़ा पानी और ऐड किया है और अब मैं इसे पतला कर रही हूँ। आइए देखते हैं कि हम कैसे इसे पतला करते हैं। इस पानी को इस बैटन के अंदर अच्छे से मिक्स करते हैं जिससे कि ये बैटन हमारा पतला हो जाए। ये देखिए हमारा पकौड़ी वाला बैटन तैयार है, जिसे हम ऐसे करके छोड़ सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि हमारी पकौड़ी ना तो ज़्यादा गाढ़ी हो ना उसका बैटन पतला हो, जिसे हम कढ़ाई के अंदर डालें और बैटन वहीं की वहीं पूरा का पूरा मिक्स हो जाए या फैल जाए। तो इसलिए इसको भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना होता है। ये देखिए, ये हम इसे हाथ से छोड़ेंगे तो ये हमारे हाथ से छूट रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसे इसी इतना ही पतला रखना है। तेल कढ़ाई में डाला है और ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अभी देखते हैं कि हमारी पकौड़ियाँ हम तैयार कर रहे हैं जो, वो ढंग से तैयार हो, गर्म हुआ है कि नहीं, सिक जाएंगी कि नहीं ढंग से। इसको हम तेल को चेक करेंगे कि ऑयल हमारा पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए, एक हम थोड़ा सा छोटा सा बैटर इसके अंदर एक पकौड़ी का डाल के देखते हैं और देखते हैं कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर तेल कच्चा रहेगा तो भी पकौड़ियों में टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, क्योंकि जैसे ही हमने इसको पकौड़ी को डीप फ्राई किया है, डाला है इसके अंदर, वो नीचे से ऊपर की तरफ उठ के आ गई है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑयल है जो हमने इसके अंदर डाला है वेजिटेबल ऑयल, वो हमारा पूरी तरह से तैयार है। और मैंने इसमें मूंगफली का तेल लिया है। ये हमने जो भल्ले बनाए थे गोल शेप के, अब इसे मैं धीरे धीरे करके घी के अंदर छोड़ूंगी। इसको हल्का सा, ना तो मंदी आँच हो और ना तेज आँच हो, जिससे कि हमारा हल्की मंदी आँच हल्की तेज आँच पे इसे हम रखेंगे गैस पे, मीडियम सिम गैस पे, जिससे कि जो हमने पकौड़ी बनाई है या भल्ला बनाया है वो अंदर तक सिक जाए और वो कच्चा ना रहे। ये देखिए, ये हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। इसी के साथ मैं एक और छोड़ देती हूँ। ये देखिए, हम एक साइड से छोड़ेंगे, नहीं तो तेल ज़्यादा गर्म होगा और उचट कर हमारे ऊपर ही आ जाएगा। ये देखिए, अब हम इसे धीरे धीरे हिलाएंगे। ये देखिए, और जो भल्ला ज़्यादा ब्राउन हो गया है उसे आप निकाल लें, नहीं तो ये जल जाएगा, इसके जले की स्मेल आएगी और खाने में थोड़ा कड़वा लगेगा, इसलिए इसे ब्राउन होने पर ही निकाल लें। हो गई हैं और हम इन्हें, क्योंकि हमने हल्की मंदी आंच पे इन्हें पकाया है तो ये अंदर तक सिक गई हैं और जो जो हमारी ब्राउन होती जा रही हैं उन्हें हम निकालते जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने इसे भी बाहर निकाल लिया है और बाकी की ये हमारी ये बन रही हैं। ये देखिए, ये हमारी भल्ले तैयार हैं। आप चाहे तो इसे टिक्की की तरह भी खा सकते हैं। देखते हैं, अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इसी बैटन से पकौड़ियाँ बनाना, जो कि मैंने इसे थोड़ा पतला किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पकौड़ियाँ कैसे बनाते हैं। इनको भी मैंने हल्की मंदी आँच पर बनाया है। ये देखिए, मैं पकौड़ियाँ छोड़ रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको घी के अंदर छोड़ दिया है डीप फ्राई करने के लिए। अभी एक मिनट बाद मैंने, जब इनके ऊपर ऑयल आ जाएगा तब मैं इन्हें पलटना शुरू करूंगी, जिससे कि ये आपस में चिपकेंगी नहीं। ये देखिए, अब इनके ऊपर ऑयल भी आ गया है और ये आपस में अगर चिपकती हैं तो हल्का सा कलछी का सहारा देके आप इन्हें अलग कर सकते हैं।
ये देखिए, ये हमारी भल्लों के लिए पकौड़ियाँ भी तैयार हैं। आप इस पे इसे पका रहे हैं, सेक रहे हैं, जिससे कि ये अंदर तक सिक जाए, इसका कच्चापन नज़र ना आए। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ तैयार हैं और इसे भी हमने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है, जो कि हल्का अच्छा खासा ब्राउन है। ये देखिए, और सबका कलर एक जैसा है। ये इसलिए क्योंकि हमने इसे लगातार चलाया है। ये देखिए, आइए देखिए आप हमारी ये पकौड़ियाँ और ये भल्ले तैयार हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके दही के अंदर कैसे मिक्स करना है और कैसे इसको डिप करना है। जब सबसे पहली बात ये कि जब ये पकौड़ियाँ और ये भल्ले बिल्कुल ठंडे हो जाएं, बिल्कुल ठंडे, तब जाके हमें इसके अंदर मिक्स करना है, नहीं तो हमारा दही खट्टा हो जाएगा। आइए देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कितना, जितना इस बाउल के अंदर दही है या जितना इस बाउल के अंदर आ सकती है, हमें उतनी ही डिप करनी है, एक्स्ट्रा नहीं डिप करनी है, क्योंकि दही का जो मॉइस्चर है इसके अंदर भरेगा दही, तो जब ही उसका अंदर टेस्ट आएगा। देखिए, ये मैं थोड़ी सी पकौड़ियाँ इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, साथ में इसके अंदर ये भल्ले भी मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने डिबो दिए हैं इसके अंदर और ये पकौड़ियाँ डिप हो गई हैं। अब मैं इन्हें अच्छे से चम्मच की सहायता से इन्हें दबाकर हल्का हल्का और इन्हें डिप कर दूँगी। ठीक है, इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जब आप खाना खाने लगें या जब आप सर्व करें उसी टाइम नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, दही के अंदर नमक और काली मिर्च आप उसी टाइम, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा आप उसी टाइम डालें और इनको सर्व करें। चाहे तो आप ऊपर से इसे किसी भी चीज़ से, फ्रूट्स के साथ या फिर हरा धनिया के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसमें सीजनेबल फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दही भल्ले। आप इसे खुद भी खाइए, भगवान को भोग लगाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए।